सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:30 और मजदूर हो गया रेडी, उठा लिया पीछे अपना बैग, एक रेडी कर लिया उधर बैग, और आज की जो मजदूरी होगी वो होगी 650 किलोमीटर। आंखें देख रहे हो, खुल नहीं रहा है लेकिन उठा दिया गया मेरे को। चलो भग लो। ए गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जी आज की इस जर्नी में हमारे साथ दो मजदूर हैं, एक तो पूरा ही लग रहा है ना। ओ भाई क्या है, यहाँ पे भी मजबूरी का नाम दिखा रहा था। पहले एक बिजनेस में मजबूरी, कर्ज में मजबूरी, तो यही है भैया। हमारा बैग हो गया है पैक, अब हम दोनों भाई निकलेंगे फॉर्चुनर से बहुत दूर यहाँ से। वैसे तो कल अपने पास टाइम था कि गाड़ी धुलवा ले, बट उतनी ज़्यादा गंदी हुई नहीं थी, और आज भी ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर है। इसको ना सीधे नॉर्थ ईस्ट में धुलवाएंगे, गुवाहाटी। हाँ अभी चलो इसको अरे यार यहाँ एक और बॉटल हो गया, साफ करना पड़ेगा, इसी में पानी डाल दे, क्या इसको फेंक देते हैं। तेरा इतना सामान में हो जाएगा, इतने सामान में हो जाएगा, कम पड़ेगा, नए कपड़े ले लेंगे। सही बात है, चलो डालो भैया, अब हम एक से दो हो गए। बोलो श्री अम्बे मात की जय। माता रानी जर्नी हमारी मत करना भैया, सीट बेल्ट पहनो। सबसे पहले धन्नो कहती कि तुम जर्नी तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन लखनऊ है। अरे लखनऊ है चाहे कुछ भी, एक्सीडेंट बता के थोड़ी ना होता है। बचे हाथ से ताली। हाँ यहाँ से जीपीएस पता नहीं कौन सा रास्ता दिखाएगी भैया। यहाँ से दो रास्ता जाता है, एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेस होते जो हम लास्ट टाइम भूटान गए थे, लेकिन भाई वो रास्ता इतना खराब था ना, जब एक बार हाईवे खत्म हो रहा था ना भाई, घोड़े घुल गए थे गाड़ी के भी और हमारे भी। तो आज हम वो रास्ता नहीं लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस, क्योंकि 300 किलोमीटर का तो फुल मजा है, उसके भैया बाद जिंदगी फुल सजा है। तो आज हम लेंगे अयोध्या और गोरखपुर वाला रूट। लॉकडाउन है, 10 मिनट में इतने जल्दी एयरपोर्ट कभी नहीं पहुंचे। हाँ ना बहुत, एक तो ट्रैफिक नहीं, दूसरा फॉर्चुनर। तुम चलाओगे 500 की स्पीड पर तो क्या, तुम बोल दो साले। और नहीं सब इसकी एक्चुअली फ्लाइट है, और ये फ्लाइट सुबह की फ्लाइट पकड़ के अपना दिल्ली जा रहा है, ठीक है, मीटिंग वीटिंग है कुछ ऑफिशियल है। चलो बाबा चलो, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, ठीक है, यू टू। आते वक्त रिटर्न में मिलते हैं, ठीक है। कब है वापसी बता। अच्छा, तो 15-20 रोज। हाँ आ जाओगे तुम तक वापस। आ, अरे भैया हम 3 दिन में आ जाएंगे वापस। चलो बाय, टेक केयर, जय माता दी। तो जी मेन अयोध्या गोरखपुर वाले रोड पे चढ़ गए अपन, वही शहीद पथ वापस लेके अपन आए। वो 50-60 किलोमीटर अपने को एक्स्ट्रा जाना पड़ा, बिकॉज सुनील को एयरपोर्ट भी ड्रॉप करना था, अदरवाइज अपने को सीधे इसी रास्ते पे चढ़ना था। अभी सही है, ये रोड ऐसे ही रहेगा मस्त। एक बार डीजल लेंगे, मतलब कहाँ अयोध्या के आसपास ले लेंगे, 120-130 किलोमीटर यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अयोध्या होगा। ये चौथी पाँचवीं बार है ना कि गूगल ले रीडायरेक्ट कर दिया, शायद फास्टर रूट पे रीडायरेक्ट कर दिया। भाई मेरे को नहीं जाना फास्टर रूट, मेरे को स्लो रूट पे जाना है। क्यों चरस बो रही हो भाई, नहीं जाना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से, जबरदस्ती हर 5-6 किलोमीटर पे इधर चल लो, इधर चल लो, इधर चल लो, नहीं जाना भाई। कि यहाँ पे ना मुझे एसी ऑन करना पड़ा है, क्योंकि एसी के बिना अंदर एक्चुअली गर्मी लग रही है। इनफैक्ट मैंने तो थोड़ा सा ना हल्का सा वेंटिलेटेड सीट भी किया कि नीचे ना ठंडा ठंडा लगता रहे। और अभी पहुंचने वाले कुछ देर में अयोध्या, तो जय श्री राम। अयोध्या की धरती पे, पावन धरती पे कदम रखने वाले, बट अयोध्या इस बार रुकेंगे नहीं। अयोध्या आने का प्लान है लेकिन डैड के साथ, क्योंकि डैड ने कहा है कि ना उनको एक बार मंदिर देखना है, तो फिर पापा के साथ वेन्यू, मतलब जब रांची जाएंगे ना तो फिर लखनऊ से अयोध्या कवर करते हुए, वाराणसी कवर करते हुए, तो फिर वो वाला ना स्पिरिचुअल ट्रिप करेंगे पापा के साथ। काफी देर से ना इसका लाइट जला हुआ है, मतलब फ्यूल वाला, और यहाँ पे रेंज भी अपना कम ही दिखा रहा है। एक तो धूप इतना आ रहा है ना यार, मतलब रिकॉर्डिंग के समय ना सन का पोजीशनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, अगर सन सामने है ना कुछ नहीं कर सकते आप, गुड़गोबर, सब गुड़गोबर। मैंने कहा ज्यादा तेज नहीं बनते हैं भैया, जब गाड़ी कह रहा है कि डलवा दो मेरे में तो डलवा ही लेते हैं। डीजल 90.20 रुपीज लबालब ऊपर तक, ऑटो कट से ऊपर तक भाई, पूरा 70 लीटर आ गया, 6300, ये लीजिए भैया। ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर कवर किया हमने फुल टैंक में, एक फुल टैंक में, और
ये इसलिए कम आया क्योंकि एक्चुअली 1000 किलोमीटर तो आराम से कर सकते थे क्योंकि हाईवेज बहुत अच्छे थे। ये इसलिए कम आया क्योंकि हमने ना आगरा से लखनऊ में ना इतना ज़्यादा ओवर स्पीड किया ना, मतलब आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया इतना तेज मत चलाया करो यार। एक दिन, बस एक दिन चलाया था भाई। अब आप आज देखो, आज बहुत आराम से चल रहा हूँ। और हमने ये प्लान किया था कि भैया हम रात की ड्राइविंग नहीं करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरपुर रुकने का कोई खास सीन अपना है, मतलब कुछ खास ऐसा प्लान नहीं है। क्या हुआ भैया, लड़ाई हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो हमें रात में ड्राइव नहीं करना है, इसलिए हमने मुजफ्फरपुर में हॉल्ट। तो हर शहर में इतना भयंकर जाम लगा हुआ है, इतना भयंकर, बहुत लंबा जाम और इतने किलोमीटर तक ना ऐसा ही है, मतलब किलोमीटर भाई अपना भी लग गया क्या? अरे गुरु फंस गए भाई, मुझे लग रहा था बगल वाले रोड में सिर्फ जाम है, हमारा भी वैसा ही है। अभी देखा आपने कि एक ट्रक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे था, बिना इंडिकेटर बिना कुछ, वो रियर व्यू में देख भी रहा है कि मैं इसके राइट हैंड साइड पे हूँ, एकदम ही काट दिया भाई। वो कैमरे में पता नहीं कितना पता चला, अभी डैश कैम से फुटेज निकालूंगा भाई। इतना गंदा वॉशरूम, शीशा देखो, शीशा देख के वॉशरूम की कंडीशन समझ में आ गई। टोल पे रुके थे भाई यहाँ पे, गाड़ी पीछे लगा के मैंने कहा वॉशरूम करना था, रुक ही जाते हैं। भाई एक ढाबा दिख गया था, मैंने कहा चल यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, प्लस खाना भी खा लेंगे। ये छोटा सा ढाबा है तो यहीं पे रुके हैं अभी, दाल तड़का और रोटी बोला है। मज़ा आ रहा है भाई, बाहर अच्छी ठंडी हवा लग रही है, पर अंदर गाड़ी में बैठ के ना थोड़ा सा बोर हो गए थे, थोड़ा सा नींद भी ना आ रहा था भाई। 150 रुपये बिल आया यहाँ पे, 150 रुपये में 3 रोटी और 1 दाल तड़का, मज़ेदार भाई, मज़ा आ गया। मतलब एकदम सादा खाना और एकदम मस्त खाना भाई, एकदम मन जैसे कहते हैं ना तृप्त हो जाना। अब दाल रोटी क्यों खाया, कल तो करीम्स पे जाके बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल खाया था ना। अभी ट्रिप के दौरान ना ज़्यादा ऑयल खाओ या ज़्यादा हैवी खा लो ना, स्पेशली चावल खा लो ना, फिर आपको नींद आती है। ऐसे ही नींद आ रही है, चावल खा के साला और नींद आएगी। भाग लो यहाँ से बेटा, नदी क्रॉस करना है, जाम वाला। मेरे को कभी नहीं आई इतने शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब 400-500 किलोमीटर में। आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, थोड़ी देर तक तो सही था, उसके बाद नस चढ़ गया, नींद चढ़ रही है, नस चढ़ रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। यहाँ पे फेस धोऊंगा मैं पानी से, एक्चुअली सुबह उठने का टाइम नहीं है ना मेरा, सुनील उठा दिया साला, उसको एयरपोर्ट जाना था, गड़बड़ आदमी साला। भाई ये ट्रक वाला है हेवी ड्राइवर पीछे इसने लिखवाया हुआ ना हेवी ड्राइवर, बता के भाई इससे दूर ही रखना है, भाई हेवी ड्राइवर है, पता नहीं कैसे ड्राइव करें, इनसे ओवरटेक कर लेते ना, हम आपसे बड़े हेवी ड्राइवर है गुरु भाई। तो फाइनली उत्तर प्रदेश को छोड़ के अपन एंटर हो गया बिहार। यहाँ पे बिहार पुलिस का चेक पोस्ट, अब दारू के लिए चेकिंग होती है। देखो गाड़ी तो रोका जा रहा है भाई, गाड़ी तो रोका जा रहा है। चेकिंग है भैया? नहीं, यूपी पुलिस का चेक पोस्ट था और ये गोपालगंज हो गया बिहार, ये बिहार पुलिस का चेक पोस्ट है। भाई रोका नहीं गया यहाँ पे भी ना, मतलब आराम से निकल गए। और ये देखो हमारे साथ दो भाई भी निकले ना विदाउट हेलमेट भाई, इनको भी नहीं रोका गया भाई। बिहार पुलिस जय हो भाई, जय हो, बहुत दिलदार है बिहार पुलिस भाई। जाओ भैया तुम जी लो अपनी जिंदगी वैसा टाइप से, जाओ किसी को परेशान नहीं करती भाई बिहार पुलिस।
और अब जाके ना मेरे को थोड़ा सा सही सा लग रहा है। सही सा बोले तो आंखें वाके खुल के एकदम एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा हाई लग रहा है। तो बीच में तो ऐसा हो गया था ना कि भाई किलोमीटर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, मैं चलाया जा रहा हूँ किलोमीटर्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अभी फिलहाल 2 घंटे बचे हुए हैं, हाँ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे भैया। जब स्टार्ट किया था ना तो 7-7:30 का ETA दिखा रहा था, क्योंकि सुनील को छोड़ा ना तो उसके वजह से थोड़ा सा वहां पे अपने को 1 घंटे के आसपास लगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। और अब दिखा रहा है 6 बजे का ETA, तो मतलब 1.5 घंटे गूगल को तो हमने बीट कर दिया, क्योंकि हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं ना। खाना खाने के लिए भी 15 मिनट के लिए रुके थे, उसके अलावा कहीं रुके ही नहीं हम। भाई अब अपना डेस्टिनेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 40-50 किलोमीटर ही है। मैंने कहा एक ढाबे पे रुक के थोड़ा चाय का सेवन कर लिया जाए। भाई आज तो मंगल बाजार लगा पड़ा है भाई, बहुत भीड़ है। ऐसा उधर नहीं लगता जनकपुरी में मंगल बाजार, वैसा है, ऐसा लग रहा है मंगल बाजार के अंदर घुस गए। ये है ना मेन सिटी के अंदर ना पता नहीं चलता यार, कभी कभी ना होटल, आप कितना भी अच्छा होटल ले लो वो मेन सिटी में होता है, जो मेन डाउनटाउन एरिया होता है। तो अब अपने हिसाब से तो मैंने सोचा था कि भैया ज़्यादा दूर नहीं होगा, हाईवे के पास ही होगा, लेकिन भाई गलत था। बड़ा स्पॉट नजर आया ना, मैंने कहा भाई क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार, सनसेट होता हुआ कितना मस्त लग रहा है भाई, बहुत ही सही। मतलब सनसेट एक्चुअली हो गया है, बट ये देखो कलर क्या ज़बरदस्त है यार भाई, मस्त फोटो ली, एक तो रील भी बना ली, ठीक है। बहुत सही जगह है यार, बहुत सही जगह है। मतलब यहाँ पे ना आप गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठो ना तो अरे डेटिंग वेटिंग भी चल रही है भाई, ये देखो। नहीं छोड़ो, किसी की प्राइवेसी की बात करनी, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है। चलो अब चले, पैर झाड़ के, गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए अंदर से। खेल हो गया ना हमारे साथ भाई, गजब टाइप का ट्रैफिक है ना। ट्रैफिक क्या है मतलब पूरा मार्केट के अंदर घुस गए हम। अब पता नहीं GPS कौन सा रास्ता दिखाती है यार, ये मूड खराब कर देती है ना, आते आते मूड खराब हो जाता है। एक चीज तो क्लियर है कि कल दुकान खुलने के पहले मेरे को ये रास्ता क्रॉस कर लेना है भाई, क्योंकि दुकान खुलने के बाद तो बहुत भीड़ हो जाएगी। आज संडे भी है ना, तो इसलिए मे बी शायद ज्यादा भीड़ है। कल तो ऑफिस वाला दिन रहेगा भैया, और तगड़ी भीड़ होगी भाई। बहुत गलत जगह होटल ले लिया, बहुत गलत जगह। GPS जो रास्ता दिखा रही है ना, बहुत गलत दिखा रही है यार। अब बताओ सामने डेड एंड टाइप का लग रहा है, अब कहाँ उसमें गाड़ी लेके घुसे मैं। कैसे हो भाई? अच्छे हैं सर। कैसे हो? आपको ब्लॉग उसी दिन देखा था, आप 7 स्टेट वाले पे निकले हो सर। हाँ। भाई द ग्रैंड होटल किस साइड है? आगे से चल के द ग्रैंड वहाँ पे मॉल में भाई, सीधा चले जाओगे। भाई दो भाई लोग मिले, मसीहा बन के आए भाई, कह रहे ये गलत रास्ता, आप गलत फंस रहे हो, इधर से चलो मेरे पीछे, हम भी उधर ही जा रहे हैं। किसी मॉल के अंदर है होटल, मतलब मैंने पार्किंग देख के लिया था होटल कि भैया पार्किंग सही रहे, तो पार्किंग सबसे पहले मैं ना होटल के रूम के फोटो देखने से पहले मैं पार्किंग की फोटो देखता हूँ कि भैया होटल का फ्रंट कैसा लग रहा है। तो किसी मॉल के अंदर है शायद, वहाँ पे पार्किंग तो सही हो गया। भाई ये है अपना होटल द ग्रैंड, ये इस मॉल में है सिनेपोलिस, मतलब मूवी भी देख सकते हैं और शायद यहाँ पे अपने को कॉफ़ी भी मिल जाए। तो मेन ना अपन को GPS ने फंसाया है भाई, है तो ये रास्ता तो बिल्कुल सही है भाई। बैग तो पूरा उथल पुथल हो गया ना। चलो सही है, कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पे भाई लोग मिले कुछ, ठीक है भाई लोगों ने हेल्प कर दिया, ना तो मैं तो कहीं उधर गली में ही भटक रहा था। अभी ऊपर चलते हैं, इसी मॉल के अंदर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है। ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है कि मॉल में ऐसे ना सामान ले गए, अजीब सा ही थोड़ा सा। तो भाई ये अपना होटल और ये अपना रूम, बहुत डिसेंट सा है यार, मतलब मस्त आराम से यहाँ पे बैठ के काम वाम कर सकते हैं। मेरे को तो स्टडी टेबल चाहिए, तो जहाँ भी रहो ना एक बैठ के काम करना और बेड पे काम करना बहुत डिफिकल्ट, एंड वॉशरूम भी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन। बाकी भैया अभी डेंटल किट वगैरह लेके आ रहे हैं और स्लीपर लेके आ रहे हैं। ओहो थक गए भाई, पता नहीं आज क्यों इतना ज़्यादा थकान हो रहा है। नॉर्मली ऐसे 500-600 किलोमीटर में मैं बिल्कुल नहीं थकता, एक तो नींद कम्प्लीट नहीं हुई ना उसकी वजह से ज़्यादा ही हो रहा है। कल भी यही पजामा पहनूंगा, यही टी शर्ट में दिखूंगा कल वाले ब्लॉग में भी। चलो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म, अभी यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपना काम वाम निपटाएंगे। ओह सीरियसली यार थका देने वाला दिन था। बाकी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस। गंदा लग रहा है ना।